हेलो गाइज, मैं हूं ओमकार शर्मा। और पिछली वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि कॉइन स्विच कुबेर वाले हमें पागल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने वहां पे एक्चुअल में डिपॉजिट्स को इनेबल करा ही नहीं है, सिर्फ नाम के लिए, ढोंग के लिए उन्होंने बैंक ट्रांसफर को दिखा दिया है। तो लेकिन आज सुबह ही मैंने उस वीडियो को प्राइवेट कर दिया। और मैंने ऐसा क्यों करा, क्योंकि मैं जब 2 दिन पहले, जिस दिन मैंने वो वीडियो अपलोड करी और उससे 1 दिन पहले, मैं उन 2 दिनों तक लगातार कॉइन स्विच कुबेर के अंदर डिपॉजिट्स करने की कोशिश करता रहा, पेटीएम से, गूगल पे से, और मेरे बैंक ने मुझे जो ऐप दी है, बैंकिंग ऐप जो कोटक ने दी है मेरे को, उस ऐप से मैं लगातार कोशिश करता रहा, लेकिन डिपॉजिट्स मेरे नहीं हो रहे थे। इसलिए मैंने वो वीडियो बना के डाल दिया कि पेटीएम से या फिर किसी भी ऐप से डिपॉजिट्स नहीं हो रहे हैं कॉइन स्विच कुबेर के अंदर, और मतलब कॉइन स्विच कुबेर वाले हमें पागल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब कल रात को मैंने डिपॉजिट्स करके देखे और आज सुबह मैंने डिपॉजिट्स करके देखे कॉइन स्विच कुबेर के अंदर, तो मेरे डिपॉजिट सक्सेसफुली हो गए। जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं, ये बैंक की रिसीट मैंने कल ही यानी कि 21 मार्च 2022 को 2:22 पे मैंने अपने कॉइन स्विच कुबेर के अंदर 100 रुपये डिपॉजिट करे सक्सेसफुली। और आप यहाँ ये भी स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, 2:28 पे ही, 21 मार्च 2022 को 2:28 पे, मतलब 4 ही मिनट बाद मेरे कॉइन स्विच कुबेर के अंदर पैसे ये डिपॉजिट हो गए सक्सेसफुली। तो मैंने उस वीडियो में, मुझे ऐसा लगा कि मैं झूठ फैलाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसी चक्कर में मैंने उस वीडियो को फिर प्राइवेट कर दिया। लेकिन मैं आपको एक बात सही सही बताऊं, तो जो पेटीएम और गूगल पे हैं वो अभी भी काम नहीं कर रहे हैं। पेटीएम और गूगल पे अभी भी आपको ट्रांजैक्शन नहीं करने दे रहे हैं कॉइन स्विच कुबेर के अंदर। तो अगर आप भी ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, आपके पैसे डिपॉजिट नहीं हो रहे कॉइन स्विच कुबेर के अंदर, तो आपको सबसे पहला काम जो करना है, आपको गूगल पे या पेटीएम का इस्तेमाल बंद कर देना है बिल्कुल। अगर आप कॉइन स्विच कुबेर या फिर कॉइन DCX या फिर किसी भी ऐप के अंदर बैंक ट्रांसफ़र करने जा रहे हैं, तो आपको गूगल पे या पेटीएम का इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको आपकी बैंक एक ऑफिशियल ऐप देती है, मतलब ट्रांसफरिंग वगैरह करने के लिए, पैसों की बैंकिंग को यूज़ करने के लिए एक बैंकिंग की ऐप देती है हर बैंक। तो आपको उस बैंक से डिपॉजिट करने की ट्राई करनी है, आपको उस बैंक से पैसे डिपॉजिट करने की कोशिश करनी है, तो आपके ज़रूर पैसे उसके अंदर डिपॉजिट हो जाएंगे आराम से। और जैसा कि मैंने आपसे कहा, कॉइन स्विच कुबेर हो या कॉइन DCX हो, दोनों में ही अगर आप पेटीएम या गूगल पे का इस्तेमाल कर रहे हैं पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आपके डिपॉजिट अनसक्सेसफुल होंगे, डिपॉजिट नहीं हो पाएंगे। और अभी भी आज की तारीख तक भी कॉइन स्विच कुबेर के अंदर पेटीएम से पैसे डिपॉजिट नहीं हो रहे, मैंने ट्राई कर लिया, नहीं हो रहे। तो पहला काम आपको करना है पेटीएम गूगल पे को हटा देना है। दूसरा काम आपको क्या करना है, दूसरा काम आपको ये करना है कि अगर आप अपने बैंक अकाउंट की जो ऐप है, ऑफिशियल बैंक की ऐप, उससे एक बार पैसे ट्रांसफ़र करके देखे, आपने डिपॉजिट करने की कोशिश करी कॉइन स्विच कुबेर में और पैसे आपके नहीं डिपॉजिट हुए, तो आपको सिंपली एक बार किसी और बंदे को, मतलब आपके कोई फैमिली फ्रेंड या फिर किसी को भी एक बार बैंक ट्रांसफ़र से करके देखो पैसे ट्रांसफ़र। अगर उससे हो रहे हैं और कॉइन स्विच कुबेर में नहीं हो रहे, तो सिंपली आपको ये समझ लेना कि आप अभी भी वही वाली प्रॉब्लम फेस कर रहे हो जो मैं फेस कर रहा था। मेरे 2 दिन तक नहीं हुए पैसे ट्रांसफ़र, फिर 3रे दिन होने लग गए, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा सा पेशेंस रखो। लेकिन अगर तब भी नहीं हो रहे पैसे आपके ट्रांसफ़र कॉइन स्विच कुबेर से, मतलब कॉइन स्विच कुबेर के अंदर पैसे ट्रांसफ़र नहीं हो रहे बैंक की ऐप से भी, मतलब हर जगह हो रहे हैं लेकिन कॉइन स्विच कुबेर में नहीं हो रहे पैसे डिपॉजिट, तो आपको सिंपली वहाँ पर उन्हें कंप्लेन करनी है, कॉन्टैक्ट अस में जाके आपको वहाँ पर कंप्लेन करनी है। और अगर कंप्लेन करने के बावजूद आपके नहीं हो रहे पैसे डिपॉजिट, आपने सब कर लिए, पेशेंस भी रख लिया, पेटीएम और गूगल पे का इस्तेमाल भी नहीं कर रहे, बैंक की ऐप का इस्तेमाल कर रहे हो ऑफिशियल, तब भी नहीं हो रहे, तो आपको कॉइन स्विच कुबेर से स्विच कर लेना चाहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो गई है आपके अकाउंट के साथ, क्योंकि कॉइन स्विच ने सबके डिपॉजिट्स को डिसेबल नहीं कर रखा है। तो अगर आप ऐसा फेस कर रहे हैं कि हो ही नहीं रहे डिपॉजिट, तो आपको स्विच ही कर देना चाहिए कॉइन स्विच कुबेर से। तो इतना ही था इस वीडियो के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, 2 दिन तक मेरे डिपॉजिट्स शाम दाम दंड भेद सब कुछ करने के बाद भी जब डिपॉजिट नहीं हुए कॉइन स्विच कुबेर में, तो मैंने वो वीडियो बना दिया कि कॉइन स्विच हमें पागल बना रहा है। लेकिन फिर जब आज सुबह मेरे डिपॉजिट हो गए पैसे, पेटीएम से या गूगल पे से नहीं, मेरी जो बैंक की ऐप दी है बैंक ने, उस ऐप से जब पैसे डिपॉजिट हो गए, तो मैंने उस वीडियो को तुरंत के तुरंत आज सुबह ही प्राइवेट कर दिया। तो अगर आप भी ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो आप सिंपली थोड़ा सा पेशेंस रखें। अगर पेशेंस रखने के बावजूद भी आप प्रॉब्लम फेस कर ही जा रहे हैं, नहीं हो रहे डिपॉजिट किसी तरीके से, सब कुछ कर लिया आपने, काफ़ी टाइम भी हो गया, तो आपके अकाउंट के साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि यहाँ पे कॉइन स्विच कुबेर ने सबके डिपॉजिट्स को डिसेबल नहीं कर रखा है। अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, तो आप सिंपली कुछ नहीं कर सकते, फिर ऐसे में इलाज ही कुछ नहीं है। कॉन्टैक्ट कर लिया, कंप्लेन कर दी, तब भी कुछ नहीं हो रहा है,
तो आपको कॉइन स्विच कुबेर से स्विच करना ही पड़ेगा और दूसरी किसी अच्छी ऐप को ढूंढना ही पड़ेगा। तो अगर ऐसे में आप कॉइन स्विच कुबेर डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे रखी है, आप वहाँ से डाउनलोड करके KYC वगैरह जब करा लेंगे तो आपको 50 रुपये का बिटकॉइन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। और अगर आप मुझसे पूछते हैं कॉइन स्विच कुबेर का बेस्ट अल्टरनेटिव, तो मैं आपको यहाँ पे कॉइन DCX ही सजेस्ट कर सकता हूँ। तो अगर आप कॉइन DCX को डाउनलोड करना चाहते हैं उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और आप जब डाउनलोड करके वहाँ से और KYC वगैरह करा के अपनी पहली इन्वेस्टमेंट्स करेंगे तो आपको 100 रुपये का शिवाइनू बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। तो अगर डाउनलोड आपका कॉइन स्विच में बात नहीं ही बन रही, कैसे भी बात नहीं बन रही, तो फिर आप कॉइन स्विच कुबेर से कॉइन DCX पे मूव कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अपना ध्यान रखो और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।